अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल हुरा वीलॉग में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम एक्सेल का जो है एक्सेल का नेक्स्ट काम करेंगे। एक्सेल में हम रिज़ल्ट शीट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसको किस तरह बनाते हैं एक्सेल में, तो वो हम आज रिज़ल्ट शीट बनाएंगे। तो चले हम एक्सेल खोल लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जी। तो हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ओपन हो गया है। हम इसमें स्टार्ट करते हैं अपनी रिजल्ट शीट। हम कैसे यानी कैलकुलेट करेंगे, टोटल मार्क्स निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे और जो है इस पे ग्रेडिंग निकालेंगे, रिमार्क्स निकालेंगे, वो सारा हम किन फार्मूलाज के ज़रिए, इजी से फार्मूलाज हैं जिनको हम यूज़ करके इधर शीट बना लेंगे। अगर मैन्युअली हमें शीट बनानी पड़े तो हमें हिसाब किताब कैलकुलेटर का यूज़, और बाद में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो वो शीट दोबारा से नई कैलकुलेशन होती है। अगर किसी सब्जेक्ट में बच्चे के मार्क्स बढ़ जाएं या कम हो जाएं तो वो जो है शीट जो है ज़ाया हो जाती है हाथ से बनाई हुई, तो आप जो है वो जो है आपका दोबारा से नई शीट बनानी पड़ती है। लेकिन एक्सेल हमें एक बहुत ही एक अच्छा जो है इन्वायरमेंट मुहैया करता है कि जिसमें आप मार्क्स जो हैं चेंज हो जाएं, जस्ट मार्क्स चेंज करें तो आपका आगे से सारा कुछ खुद बहुत चेंज हो जाएगा क्योंकि फार्मूलाज लगे होंगे जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर जी, तो नेम, फादर्स नेम है तो हम फादर्स नेम को क्या कर लेंगे, रैप कर लेते हैं, यहाँ से रैप टेक्स्ट कर लेते हैं फादर नेम। एंड अब फादर नेम्स के बाद हम सब्जेक्ट्स के नेम लिख लेते हैं, कोई चले 5 सब्जेक्ट्स हम लिख लेते हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात एंड पाक स्टडी एंड लास्ट हम लिख लेते हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड जस्ट ठीक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जी। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन लिख लिया, ये लंबा है तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक हो गया जी। अब इधर हम लिख लेते हैं जो है टोटल मार्क्स जो हमने इनके मतलब टोटल करने हैं वो जी टोटल मार्क्स, देन इसको उतना खुला कर लेते हैं, फिर इधर आ जाएगा परसेंटेज या एवरेज हम लिख लेते हैं एवरेज, देन आ जाएगा ग्रेड और इसके बाद आ जाएगा हमारा रीमार्क्स जी। ये हमारा जो है हमारी हेडिंग्स जो है रेडी हो गई हैं। इसके ऊपर जो है हम ऊपर वाला ऊपर हम क्या लिखना चाहते हैं, हुरब वीलॉग, तो इसको हम क्या करना चाहते हैं इसके ऊपर, ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं कि मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे तो वो सेंटर में आ गया है। अब ये सिलेक्ट है, इसको थोड़ा उसका साइज बढ़ा लेंगे, ये जो है हुरबी लॉग वाला सेल एक्सेल प्रॉब्लम करने लग गया है जी। तो अब हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, तो ये क्या है, हम थोड़ा सा इसका हेडिंग है तो हेडिंग जो बड़ी होनी चाहिए, तो हम इसको करके तो इसमें जो भी आप कलर करना चाहते हो
वो आप इसमें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने ये ब्लू इसका किया और बैकग्राउंड का हमने येलो कर दिया, तो पूरा वी लॉग हमारे पास जो है हेडिंग आ गई है जी। हम इसमें सीरियल नंबर आपको मैंने बताया था, जस्ट हम वन लिखेंगे और कंट्रोल ड्रैग के साथ जो है हम अपनी हेडिंग जो है वो पूरी कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ जी। तो नेम डिफरेंट लिख लेते हैं, जैसे साद फादर्स नेम, अबिद और मार्क्स आउट ऑफ 100 लिखते हैं, 75, 65, 59, 68 and 72 ये हमने लिख लिए। तो अब हम इनको जो है टोटल मार्क्स करना चाहते हैं। मैं थोड़ी शीट जो है वो जूम करती हूँ, जूम प्लस, ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए जी। तो जूम प्लस कर लेते हैं जी, जूम प्लस हमने कर लिया, ये हमने लिख लिया। अब हम टोटल मार्क्स करना चाह रहे हैं, तो टोटल मार्क्स के लिए क्या होगा, हमारे पास क्या फार्मूला यूज़ होता है, तो वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले फार्मूला जो है इक्वल से स्टार्ट होंगे, इक्वल हमने लगा दिया। जमा करने के लिए सम का फार्मूला होता है, तो हम करेंगे एस यू एम सम, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, और आपने ये जो है सेल नेम, मैंने जैसे आपको बताया है फार्मूलाज में सेल नेम कॉल किए जाएंगे, जैसे D3 यहाँ से कॉलन लगाएंगे, तो हम इसमें कॉलन के बाद हम लिखेंगे H3 तक हमें चाहिए, जो इस तरह भी आप लिख सकते हो। एक आसान तरीका है कि आप इसको ब्रैकेट लगाएं और जिनको करना है उनको आप ऐसे सिलेक्शन में लें, तो D3 से H3 ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आप ब्रैकेट बंद करके तो एंटर करें, तो वो टोटल मार्क्स आपके आ जाएंगे। इसी तरह आप, अब हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो इक्वल लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज। ठीक है, एवरेज जो है आपने एवरेज के स्पेल से ही लिख लेने हैं, फिर आपने इसको करना है, और उसी तरह जिन मार्क्स का हमने प्लस किया है उन्हीं का हम कर लेंगे एवरेज। ब्रैकेट हमने क्लोज कर ली, टोटल मार्क्स नहीं डालने इसमें, हमने मार्क्स वैसे जो लगाए हैं कि यहाँ से D3 से H3 तक को का हमें एवरेज मालूम करें कि ये कितने परसेंट बनते हैं जी। तो अब हम ग्रेड मालूम करना चाहते हैं, ग्रेड के लिए थोड़ा फार्मूला जो है लंबा है, लेकिन बहुत इजी है, आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जस्ट ये क्या है कि आप इसको बड़े अच्छे से कर सकते हो। सबसे पहले हम ये लगाएंगे, ये हम एवरेज की बेस पे करेंगे कि एवरेज, अगर एवरेज जो है 100 में से मतलब 90 है तो ए प्लस ग्रेड आ जाए, अगर जो है 85 है तो ए ग्रेड आ जाए। इसी तरह कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशनल फार्मूले जब होते हैं के, और 75 है तो बी आ जाए, 70 है तो सी आ जाए, इस तरह ये हमारे पास जब डिफरेंट कंडीशंस होती हैं हमारे पास, तो इन कंडीशंस के लिए हम इफ़ का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे है, इज इक्वल इफ़ ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना पहले बताएंगे कि अगर जो है ये एवरेज इक्वल या ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन लगा देंगे, ग्रेटर है 95 से, ठीक है, तो कोमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमास में बताएंगे कि इसकी बेस पे हमें क्या देना है, अगर ये जिसकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो उसको क्या मिलना चाहिए, ए प्लस ग्रेड मैंने लगा लिया, ऐसे इन्वर्टेड कोमास में लगा लेना, एक कंडीशन हमारी हो गई पूरी। इसी कंडीशन को आपने इसी को बार बार रिपीट करते जाना है अंदर से, ये और ये आपका जो है मार्क्स, और फिर ये ग्रेड चेंज होता जाएगा। दोबारा हम लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, दोबारा इस पे J3 इक्वल ग्रेटर हो 90 के, तो कोमा लगाना है, कोमे के बाद इन्वर्टेड कोमास ओपन करके हम उसको सिंपल ए ग्रेड कहेंगे, फिर कोमा, दूसरी कंडीशन भी खत्म हो गई। तीसरी कंडीशन इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट जो है J3 आप इधर से लिख भी सकते हैं या उस पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं, J3 इक्वल या ग्रेटर है 80 के, तो आप कर दें
इसको बी प्लस ग्रेड, इन्वर्टेड कॉमास हम करके तो बी प्लस ग्रेड इसको कह देते हैं, बी प्लस ग्रेड हो गया। कॉमा नेक्स्ट वाली है इफ ब्रैकेट स्टार्ट जे थ्री जो है जी जे थ्री इक्वल या ग्रेटर है, अगर 80 हो गया, अब 70 कर लेते हैं 70 के, तो उसको क्या देना है हमने, सिंपल बी ग्रेड हम उसको देना चाहते हैं, तो ऐसे लिख लिया हमने, इक्वल लगा दिया जो है कॉमा लगा दिया, उसके बाद नेक्स्ट इफ ब्रैकेट स्टार्ट जे थ्री इक्वल ग्रेटर हो, सेम नेक्स्ट कंडीशन जो है 60 के हो, तो आप इसको क्या देना चाहते हैं, सी ग्रेड एंड कॉमा इफ। आप देख सकते हैं कि ये मुश्किल नहीं है, वही हम कंडीशन हमारा फॉर्मेट जो है हम वही रिपीट कर रहे हैं, ठीक है जी। जस्ट हम अंदर से अपने मार्क्स और परसेंटेज जो है, और दूसरा जो है हम उसको ये मार्क्स हम जो है अपने वो सॉरी ग्रेडिंग जो लेनी है वो हम उसके अंदर से चेंज कर रहे हैं, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी सा फॉर्मेट है। फिर हम अगेन दोबारा हमारी है जे थ्री इक्वल ग्रेटर हो, अब हमने कौन सा लिखना है, 60 हो गया, अब हम लिखेंगे 50 के, तो इन्वर्टेड कॉमास में हम बता देंगे कि इसको डी ग्रेड मिल जाए, तो कॉमा अगेन इफ ब्रैकेट स्टार्ट जे थ्री इक्वल एंड ग्रेटर हो, 50 हो गया, 40 से ज़्यादा हो तो हम उसको क्या कर देंगे, डी ग्रेड में 40 लिखेंगे, 40 से ज़्यादा हो तो उसको डी ग्रेड, ग्रेड कौन सा उसको मिल जाए, डी वाला, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट इसको फिर कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट, लास्ट वाली मैं लिखने लगी हूँ जो है 30 जो है 40 लिखा है ना, तो हम लिखते हैं 35 वाले को जो है वो ई मिल जाए, और 30 वाले को यहाँ जस्ट चले हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ 45 कर लेते हैं, 45 वाले को डी एंड 40 वाले को इफ ब्रैकेट स्टार्ट जे थ्री इक्वल ग्रेटर हो 40 के तो इसको क्या दे दे, ई ग्रेड, ठीक है एफ ग्रेड तक चलते हैं, कोमा और इफ ब्रैकेट स्टार्ट जी अगेन ये देखें ये अंदर जी इफ ब्रैकेट स्टार्ट ई हो गया, और अब हम करेंगे जे थ्री जो है इक्वल एंड ग्रेटर जो है ये हो जाए 40 है, तो हम इसको कर देते हैं बिलो 40, यानी 40 से ज़्यादा वालों को ई मिले, और बिलो अब लेस देन का साइन लगाएंगे, जे थ्री अगर 40 से कम हो तो उसको मिल जाए एफ ग्रेड, ठीक है। अभी हम सारी ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे शिफ्ट के साथ, ये सारी जो है ब्रैकेट्स हम ऑफ करते हैं, ये देखिए सारी ब्रैकेट्स वन बाय वन हाईलाइट हो रही हैं, तो हम इनको बंद कर लेंगे, तो एंटर करेंगे आपके पास, इसको यस करें तो आपका ये जो है ग्रेड देखें इस बार का सी ग्रेड अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सी पे हमने ये ऊपर फार्मूला बार में देखे नज़र आ रहा है, सी हमने 60 से ज़्यादा वाले को लगाया था, तो देखें 60 से ज़्यादा वाले का सी आ गया जी। तो इसी तरह रिमार्क्स जो है वो आपकी मर्ज़ी, आप किस पे निकालना चाहते हो, जैसे ग्रेडिंग हमने एवरेज पे निकाली है, तो एवरेज पे ही आप रिमार्क्स भी दे सकते हो, कि जैसे मतलब या जो है आप ग्रेडिंग पे दे सकते हो रिमार्क्स का, जिसका जिसका सी ग्रेड है उसको एक्सीलेंट, जिसका ए ग्रेड है उसको ये वगैरह दे देते हैं। चले हम ग्रेडिंग पे कर लेते हैं इसको, आप एवरेज टोटल मार्क्स या ग्रेड जिस पे मर्जी आपकी, या आपकी जो आपको कहा जाए जिस पे, तो आप उस पे कर सकते हो। फॉर्मेट इसका सारा वही है, कंडीशंस होंगी, ए ग्रेड वाले को एक्सीलेंट या मोस्ट एक्सीलेंट, बी ग्रेड वाले को एक्सीलेंट, सी ग्रेड वाले को गुड, इस तरह दें, तो ये भी कंडीशन है। इफ़ वाला फार्मूला यूज़ होगा, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, तो हम लिखते हैं जो है अब कौन सा हम ग्रेड करना चाहते हैं, तो वो ग्रेड हमारे पास है के थ्री में जी, के थ्री इक्वल ग्रेटर तो अब इसमें आएगा नहीं है, इक्वल जस्ट आएगा कि इक्वल हो, इन्वर्टेड कॉमास में हम इसको बता देंगे ए प्लस हो, तो फिर क्या मिल जाए, अगेन इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख देंगे
एक्सीलेंट एक्सीलेंट जी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और ये हमारी एक कंडीशन हो गई पूरी। देन फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और के थ्री इक्वल हो, अगर उसको फिर इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे कि अगर सिंपल ए ग्रेड के सिंपल ए ग्रेड हो तो उसको मिल जाए वेरी गुड जी, इसको मिल जाए वेरी गुड। फिर जो है इफ ब्रैकेट स्टार्ट जो है वही K3 इक्वल हो, हम लिख लेते हैं जितने भी आपने ये कंडीशंस लगाने लगा से बी के बाद हमारा ऑब्वियसली जो है इन्वर्टर को हम इसका बी ग्रेड आएगा। बी जो है बी, अगर आपका बी है तो फिर उसको कौन सी आपने देनी है, कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिख दिया कि हमारे इसको मिल जाए गुड, इसको गुड मिल जाए, और ये तो लिखना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही। और फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट K3 इक्वल हो, आप लिख देते हैं बी के बाद आ जाएगा सी, सी के हो तो जी सी के हो तो इन्वर्टेड कोमास में सी को इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही लिखना चाहिए था। इसको करते हैं सी के हो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जी, हाँ सी के इक्वल हो तो फिर इसको कौन सा मिलना चाहिए, अगेन इन्वर्टेड कोमास लिख के, तो हम लिखते हैं कि इसको गुड के बाद हम क्या दे सकते हैं, फेयर कर लेते हैं कि इसका ये वाला फिर आ जाए, अगेन हमने लगा दिया कॉमा। तो नेक्स्ट हमारी कंडीशन आ गई फिर जो है वो कि K3 जो है वो अगर इक्वल हो C के बाद डी ग्रेड, सॉरी इसको भी अगेन हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे डी ग्रेड के हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इसको हम फेयर के बाद क्या कर देते हैं, वेल डन गुड, फेयर के बाद हम क्या कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री कर लेते हैं, चलें सेटिस्फैक्ट्री और कॉमा लगा दिया। इफ ब्रैकेट स्टार्ट वही ग्रेड K3 जो है इक्वल हो, हमारा डी भी हो गया, अब ई ग्रेड लगाना है हमने इन्वर्टेड कॉमास में करके, ई ग्रेड के हो तो क्या होना चाहिए सेटिस्फैक्ट्री, और अनसेटिस्फैक्ट्री हम कर लेते हैं इसमें अनसेटिस्फैक्ट्री, ये भी कर लिया। और ये लास्ट हमारी कंडीशन आ गई है अब इफ सॉरी एफ ग्रेड वाली, इफ ब्रैकेट स्टार्ट के बाद हम फिर अगेन K3 इक्वल एंड ग्रेटर, K3 इक्वल ग्रेटर ग्रेटर सॉरी इसमें नहीं आएगा इक्वल, हम लिख लेते हैं एफ एफ ग्रेड के हो, एफ को भी इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिख दिया एफ के हो तो K3 अगर एफ के बराबर हो तो फिर एफ वाले को हम क्या देना चाहते हैं, फेल का हम कर देते हैं इधर लास्ट वाले को फेल के, उसको पुअर कर दें फेल कर दें आपकी मर्जी है, हम चले फेल ही कर देते हैं, तो हमने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए। हमारी जो कंडीशंस है हमारी पूरी हो गई, इसी तरह हम जो है अब ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे 1 2, ये देखिए कलर ब्रैकेट्स के हाईलाइट हो रहे हैं, काउंट नहीं करनी पड़ी, और लास्ट पे ब्लैक है तो हमने लगा दिया ये एंटर कर दिया, तो इसका देखें फेयर मिला है, तो हम देखें हमने फेयर ऊपर हमारे फार्मूला बार में हम देखते हैं फेयर हमने किसको दिया था, फेयर सी वाले को, तो इसका सी है तो ये फेयर वाला हो जाएगा जी। मैं आपको चलें हम इसका फिर हम ये जो है नीचे से डेटा जो है वो इसका फिल कर लेते हैं, कोई भी नाम जैसे लिख के ईमान एंट्री कर लेते हैं जी, तो इसी तरह फादर्स नेम कुछ भी आप लिख लें
तो ये हम 10 एंट्रीज कर लेते हैं, 10 तक हमने एंट्रीज कर ली। अब इधर मार्क्स की एंट्रीज करनी है, जल्दी जल्दी से हम वो भी कर लेते हैं। आउट ऑफ 100 हमने, आउट ऑफ 100 जो है हमने करनी है जी। अब दूसरे की कर लेते हैं, जी तीसरे की इसी तरह हम जो है अपने मार्क्स की एंट्री कर लेते हैं जी। अब फिर इसके जो है पार्क स्टडी के लिए भी मार्क्स जो है हम एंटर कर लेते हैं, 65, 65, 65, 95, और लास्ट वाला हमारा रह गया है, इसके भी कर लेते हैं जी। तो ये हमारे पास एंट्रीज हो गई हैं। अब आप देखिएगा, हमें फार्मूला हमने एक बार लगाया है, हमें बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी फार्मूले को यहाँ से ड्रैग डाउन करेंगे तो ये देखिए सबके टोटल मार्क्स जो हैं वो निकल आए हैं। इसी को ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारे पास एवरेज सबके निकल आई है। ग्रेड वाले के भी यहाँ ये डॉट के ऊपर ये प्लस का साइन आता है, ड्रैग डाउन करें तो इन सब का ग्रेड भी निकल आया है। फिर मतलब ये जो रिमार्क्स हैं इसके भी इसी तरह आप ड्रैग डाउन करें तो ये जो आपकी हो जाती है। अब देखें इन सब के बुरे बुरे मार्क्स हैं, हम किसी एक के ये देखें। अब इसमें चेंजिंग्स करने से ऑटोमेटिक अगली चीज़ें जो हैं वो चेंज होती जाएंगी। मीन्स इसमें ये मसला नहीं होता कि हमने अब बच्चे के मार्क्स री चेकिंग में जो है मार्क्स बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो उसमें चेंजिंग्स के लिए हमें शीट जो है वो दोबारा से सारा कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये नहीं है, जैसे बच्चे के पहले 59 थे, अगेन जो है 89 मार्क्स हो गए हैं, तो देखें सारा कुछ उसका वैसे ही चेंज हो गया। जैसे मैं इधर 75 लिख देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स ग्रेड सारा कुछ इसका चेंज हो गया। इस पर भी मैं 85 लगा देती हूँ तो उसके एवरेज और मार्क्स चेंज हो गए हैं। अभी हम इसको 95 वाले लाइन में लाते हैं, 95 वाई इट्स फॉल्स। आई थिंक सो हमने अंदर क्या, हाँ ठीक हो गया। ये देखें अब इसका बी प्लस आ गया, लेकिन जो हमने रीमार्क्स की हुई थी फार्मूला लगाया है उसकी कंडीशन में हमने सिर्फ बी ए प्लस ए बी एंड सी लगा दिया, बी प्लस का हमने लगाया ही नहीं है तो उसको क्या देना है, तो इसलिए बी प्लस आया तो इसका कुछ भी नहीं आया, फॉल्स आ गया। ठीक है, तो हम इसकी दोबारा से डबल क्लिक करके इसको कर सकते हैं एडिशन। तो ए के बाद जी, ए के बाद हम यहाँ अगेंस्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं एक कंडीशन, गुड ए ग्रेड को और बी ग्रेड को, बी प्लस ग्रेड वाले को यहाँ कर लेते हैं जी, यहाँ कर लेते हैं मोस्ट जी, मोस्ट एक्सीलेंट कर लिया और दूसरे में हो गया। इधर हम कर लेते हैं ए वाले का एक्सीलेंट, ये जिस सिर्फ सिर्फ क्या हुआ है कि मैं अंदर से बी प्लस वाले को छोड़ गई थी। ठीक है, तो अब जो है वो उसको करने के लिए हमें ये उसको ऐड करना पड़ा, वेरी गुड। और बी प्लस वाले को इधर बी प्लस कर देते हैं कि बी प्लस वाले को, वेरी गुड। अब इधर एक ऐड कर लेते हैं, इफ ब्रैकेट स्टार्ट जो है आपका ग्रेड इक्वल हो इन्वर्टेड कॉमास में सिंपल जो है बी, यस बी, एंड बी वाले को क्या मिलना चाहिए, वेरी गुड, इसको हम कर देते हैं गुड। तो ये देखें हमने इसका गुड कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास इस पर भी क्लोज किए और ओपन भी किए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसको
गुड मिलना है। तो इसके बाद हम लगाते हैं कोमा और अगले कंडीशन जो है इफ़ सी के लिए, फिर वो सारा हमारा ठीक है। सिर्फ हमने ऐड किया है कि बी प्लस वाले को वेरी गुड दे दे, वो चेंज कर लिया है और बी वाले को गुड दे दे। तो अब हम एंटर करते हैं, तो बी प्लस वाले को वो देखें अब वेरी गुड दे रहा है जबकि पहले फॉल्स दे रहा था जी। तो अब देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि चेंजिंग करने से भी जो है कितना इसमें जो है आ जाता है। अब देखें, मैं सारे इसके 90 की लाइन में मार्क्स बच्चे के रखती हूँ, तो देखें इसका आगे से ग्रेड और सारा कुछ जो है वो चेंज हो रहा है। आप ज़रा इसको गौर से देखिए। अभी हम किसी और बच्चे का लो करते हैं या ज़्यादा कर देते हैं, जैसे ये लास्ट वाला है, इसका सेटिस्फैक्ट्री है तो इसका इधर मैं लिख देती हूँ 45। तो देखें इसका ये भी चेंज हो गए, ग्रेड भी चेंज और ये वाला ये मार्क्स फेयर हो गया है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम जो है इसमें चेंजिंग्स बहुत इजीली इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। रीचेकिंग के बाद अगर कोई मसला हुआ है तो हम बहुत इजीली इसको अपने जो है अपने शीट के अंदर ऐड करके तो आगे वाला सारा हमारा बिल्कुल ठीक आ जाएगा जी। तो अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डाटा है तो हम इसको पेज लेआउट में जाकर हम इसका पेज और ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप कर लेते हैं जी। लैंडस्केप कर लेते हैं, उसके बाद हमें लैंडस्केप और ये देखें डॉटेड लाइन हमें बता रही है पेज की विड्थ कितनी है। ये वाली डॉटेड लाइन हमें बताती है कि पेज की विड्थ कितनी है। ये पेज हमारा पूरा आ रहा है तो हमारे ये देखें कंट्रोल पी से हम इसका प्रिंट लेआउट देखना चाहते हैं तो लेकिन लाइंस हमारे पास नहीं आ रही। तो लाइंस लगाने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप लाइन शो करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ होम में इसके ये बॉर्डर्स में से ऑल बॉर्डर इसका जो है वो आप अप्लाई कर दें। तो आप इसको कंट्रोल पी से या प्रिंट का वो देख के तो आप देखेंगे इसके अंदर आपका डाटा बहुत अच्छे से जो है वो आपका नज़र आ रहा है जी। जी मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको जो है ये जो है रिज़ल्ट शीट को बनाना जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। रिज़ल्ट शीट कैसे तैयार की जाती है, रिज़ल्ट शीट में एडिटिंग कैसे कर ली जाती है, फार्मूलाज भी आपने देखे बहुत इजी हैं और मैंने बहुत तफसील से आपको बताए हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी और आपको वर्क करने में ईजी होगा जी। तो अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुरव व्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जी तो बेल आइकन को ऑन कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।